नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ में हिंदी में एक पाठ पढ़ने वाले हैं। ये जो पाठ है एक इंटरव्यू बेस्ड है, यानी कि भेंट वार्ता है, जिनमें प्रतिमा शर्मा नाम की एक लेडी है जो सरकार से पुरस्कार प्राप्त किए हुए एक डाकिये को मिलती है और उनका इंटरव्यू लेती है। तो यहाँ पे उनकी बातचीत दी गई है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 7, डाकिये की कहानी, कवर सिंह की जुबानी। बच्चों, डाकिया यानी कि पोस्टमैन, जो घर घर जाके लेटर डिलीवर करता है, उसको हम बोलेंगे डाकिया। डाकिये की कहानी कवर सिंह की जुबानी। कवर सिंह कौन है? कवर सिंह डाकिया है, और जुबानी यानी उनके मुंह से निकली हुई बातचीत। तो चलिए शुरू करते हैं। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है, यानी ये शिमला की बात है। शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश में आया हुआ है, तो वो बहुत ही ठंडा प्रदेश है। तो शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस आई है माल रोड पर। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है, यानी ये पोस्ट ऑफिस है, वहां पे डाक छाटने का काम चल रहा है। छाटना यानी कि अलग करना। सुबह के 11:30 बजे है। कितने बजे है बच्चों? सुबह के 11:30। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है, यानी जो हिमाचल प्रदेश है बहुत ही ठंडा प्रदेश है, वहां पे बहुत ठंड लगती है। इसीलिए ये जब पोस्ट ऑफिस की खिड़की खुली है तो उसमें से गुनगुनी धूप है वो आ रही है। इसी धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। यानी पैकर, यानी जैसे ये जो पैकर होते हैं वो पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी होते हैं, यानी 2 पैकर और 3 जो महिला डाकिया है वो क्या काम कर रहे हैं? फटाफट से डाक छाटने का काम कर रहे हैं, यानी डाक को अलग करने का काम कर रहे हैं। बच्चों, हमारे स्कूल में जैसे सबसे ऊपर की पोस्ट किसकी होती है? हेडमास्टर होते हैं, फिर उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल होते हैं, फिर असिस्टेंट टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, फिर स्वीपर होते हैं, प्यून होते हैं। ये सब मिला के हमारा जो स्कूल का एक स्टाफ बनता है और उससे स्कूल चलता है। वैसे ये जो पोस्ट ऑफिस होती है उसमें भी ऐसे पोस्ट होती है, जैसे सबसे ऊपर हेड पोस्ट मास्टर होते हैं, उसके बाद हेड असिस्टेंट पोस्ट मास्टर होते हैं, उसके बाद असिस्टेंट पोस्ट मास्टर होते हैं, उसके बाद डेप्यूटी पोस्ट मास्टर होते हैं, उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, उसके बाद पोस्टमैन होते हैं, उसके बाद पैकरमैन होते हैं, उसके बाद वाटरमैन और क्लीनिंग मैन होते हैं। ऐसे पोस्ट ऑफिस में सब कर्मचारी की अलग अलग पोजीशन होती है। यानी यहाँ पे 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट से डाक छाटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कवर सिंह जी से बात की, यानी जो प्रतिमा शर्मा है वो बताते हैं कि मैंने सरकार से जो पुरस्कार प्राप्त किया है, यानी इनाम प्राप्त किया हुआ डाकिया जिनका नाम कवर सिंह जी है, उनसे कुछ बातचीत की। यही बातचीत आगे दी जा रही है, यानी इस पार्ट में आगे जो कवर सिंह जी है और प्रतिमा जी है उनकी बातचीत दी गई है। जो प्रतिमा शर्मा है वो कवर सिंह जी से पहला प्रश्न पूछती है। पहला प्रश्न क्या पूछती है कि आपका शुभ नाम, जैसे हम किसी को अच्छे अर्थ में पूछते हैं तो हम पूछते हैं ना उनको व्हाट इज योर गुड नेम। तो यहाँ पे प्रतिमा शर्मा है जो कवर सिंह को पूछते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है। तो कवर सिंह जी जवाब देते हैं कि मेरा नाम कवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ, मेरी उम्र 45 साल है। यानी कवर सिंह जी जवाब देते हैं कि मेरा नाम कवर सिंह जी है और मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ और मेरी उम्र 45 साल की है, यानी कि मैं 45 ईयर्स का हूँ, अपना परिचय देता है। फिर प्रतिमा शर्मा दूसरा प्रश्न पूछती है कि आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो कवर सिंह जी जवाब देते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं। कवर सिंह जी क्या बताते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था, वो मेरे गाँव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया,
जिससे उसकी मौत हो गई। यानी जो कंवर सिंह जी है प्रतिमा शर्मा को जवाब देते हुए बताते हैं कि मेरे चार बच्चे हैं, तीन लड़कियां और एक लड़का। मेरा एक और भी लड़का था जो जंगल में से लकड़ियां काटने गया था, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया और उसकी मौत हो गई। क्योंकि जो शिमला जो इलाका है, जो हिमाचल प्रदेश का इलाका है, वो बहुत ही ढलान वाला इलाका है, तो वहां पे लोग लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं तो तिरछी ढलान वाला रास्ता है, तो उनका पैर फिसल जाता है और वो वहां से गिर के उनकी मौत भी हो जाती है। तो कंवर सिंह जी अपने बेटे के बारे में बताते हैं कि उनके लड़के की लकड़ियां काटते वक्त उनका पैर फिसल गया था और उसके लड़के की मौत हो गई थी। प्रतिमा शर्मा वापिस कंवर सिंह जी को तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है, आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? यानी प्रतिमा शर्मा कंवर सिंह जी से पूछते हैं कि आपके बेटे के साथ जो भी हुआ उस बात का हमें बहुत दुख है, लेकिन आपके यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती है क्या? तो कंवर सिंह जी जवाब देते हैं, जी। कंवर सिंह जी बताते कि हाँ, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है, यानी ऐसी घटना तो हमारे यहाँ पे होती ही रहती है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती है। यानी कंवर सिंह जी बताते हैं कि हमारे यहाँ पे तो ऐसी घटनाएं होती रहती है, हर साल यहाँ पे तिरछी ढलानों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती है, यानी उनका पैर फिसल जाता है और उनकी मौत हो जाती है। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते नहीं होते हैं। यानी कि जो कंवर सिंह जी बताते हैं कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ तिरछी ढलानों वाला प्रदेश है, रास्ते भी टेढ़े मेढ़े हैं, तो हमें उसी रास्ते से चलना पड़ता है, हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गाँव है जहाँ पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। यानी कि जो कंवर सिंह जी प्रतिमा जी को बताते हैं, हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है क्योंकि रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, और हिमाचल में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां आज भी हमें पैदल ही चलना पड़ता है। ऐसे करके कंवर सिंह जी प्रतिमा शर्मा से बात करते हैं। फिर आगे प्रतिमा शर्मा पूछती है, फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? तो कंवर सिंह जी जवाब देते हैं कि मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। वो क्या बताते हैं कि गांव में जो स्कूल है वहां मेरे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और बेटा 10वीं में पढ़ता है। यानी कि वो बताते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और जो स्कूल है लगभग गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक पढ़ी है, और तीसरी लड़की अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, और लड़का है वो अभी 10वीं कक्षा में पढ़ता है। ऐसे करके अपने बच्चे के बारे में वो बताते हैं। फिर प्रतिमा शर्मा आगे पूछती है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है, क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो कंवर सिंह जी जवाब देते हैं, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, अब मैं पेकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। वो बताते हैं कि पहले मैं ग्रामीण डाक सेवक था और अब मैं पेकर बन गया हूँ, लेकिन आज भी मैं नीली वर्दी वाला डाक सेवक ही हूँ। यहाँ पे उनका पिक्चर भी दिया गया है। फिर आगे प्रतिमा शर्मा पूछते हैं कि डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? तो कंवर सिंह जी जवाब देते हैं कि मुझे बहुत कुछ करना होता है, चिट्ठियां, रजिस्टर पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। यानी जो कंवर सिंह जी जवाब देते हैं कि मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, जैसे किसी की चिट्ठी पहुँचाने के लिए मुझे जाना पड़ता है, रजिस्ट्री पत्र, यानी किसी ने नौकरी में नियुक्ति हो गई उसका कुछ लेटर आया, या किसी का पार्सल आया, बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, या बूढ़े लोगों का पेंशन आया। यानी पेंशन क्या होता है, अभी तो सबके अकाउंट बैंक में बन गए हैं, लेकिन जब अकाउंट नहीं थे तब जो ये बूढ़े लोगों का पेंशन होता था वो पोस्ट ऑफिस में आता था, तो ये पेंशन जो पोस्टमैन होता था वो सबको घर घर जाके देता था। तो ये जो सारे काम पोस्टमैन को करना पड़ता था, जैसे कि चिट्ठियाँ, रजिस्टर पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन, सब देने के लिए उनको गांव-गांव जाना पड़ता था। ये बात कंवर सिंह जी प्रतिमा शर्मा को बताते हैं।
फिर आगे पूछते हैं प्रतिमा शर्मा, क्या यह सब भी अब भी करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। प्रतिमा शर्मा आगे बातचीत में पूछते हैं कि ये काम आपको अभी भी करना पड़ता है, क्योंकि अभी तो सूचना और संदेश देने के बहुत सारे नए तरीके आ गए हैं। तो कंवर सिंह जी जवाब देते हैं कि शहरों में भले ही आज संदेश देने के नए साधन आ गए हैं, जैसे फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। यानी कंवर सिंह जी बताते हैं कि शहर में भले बहुत सारे साधन आ गए हैं, जैसे कि फोन, मोबाइल, ईमेल, लेकिन गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये डाक ही है। इसीलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। यानी गांव में जो लोग होते हैं वो पोस्टमैन यानी डाकिये का बड़ा ही आदर और सत्कार करते हैं, अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। वो बताते हैं कि आज भी लोग डाकिये का बड़ा सत्कार करते हैं और डाकिये का इंतजार करते हैं, क्योंकि गांव में ऐसी सब सुविधा नहीं मिलती। जो हिमाचल के कई गांव है वहां पे फोन नहीं है, क्योंकि वो इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं है, तो उनके पास शायद मोबाइल नहीं होगा या फिर वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत है। इसीलिए डाकिये का आज भी वहाँ पे बहुत ही डिमांड है और लोग बड़ा ही उनका आदर और सत्कार करते हैं और डाकिये का इंतजार आज भी लोग वहाँ पे करते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसकी वजह से हम इसका आगे का लेसन नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।